नमस्ते भाइयों, मैं हूँ स्मित चौधरी और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मित ऑटो में। आज हमारे जो पास जो बाइक है उसके बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सही सुना आपने, ये है स्प्लेंडर प्लस। इंडिया की सबसे पहली पसंद स्प्लेंडर प्लस ही रही है। 90% लोग हैं जो अभी भी स्प्लेंडर को पहले प्रीफर करते हैं। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसको ज़्यादा पसंद क्यों किया जाता है, तो इसका मेन कारण है इसकी एवरेज और इसका लुक। अभी भी इसके लुक को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। शायद ये 2000 के उससे भी पहले के साल से आ रहा है, शायद 1995 से आ रहा है ये स्प्लेंडर, और इसके लुक में कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसा कि बात कर लेते हैं इसके कलर्स के बारे में, तो इसमें वैसे तो बहुत से ज़्यादा कलर्स आते हैं, बहुत सारे कलर्स ऑप्शन आते हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी आपको थोड़े से कलर्स के बारे में बता देता हूँ कि एक तो यही है प्योर ब्लैक, पूरा का पूरा ब्लैक आता है। सिर्फ ये बैजिंग दे देती है हीरो और स्प्लेंडर की जो सिल्वर फिनिश में आती है, उसके अलावा पूरा का पूरा स्प्लेंडर ब्लैक में ही आता है। उसके अलावा जो कलर्स के बारे में बात करते हैं तो ब्लैक विथ सिल्वर आता है, ब्लैक विथ पर्पल आता है, ब्लैक विथ स्पॉट्स रेड आता है, हैवी ग्रीन विथ ग्रीन आता है। ऐसे बहुत सारे कलर्स ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में, तो इसका इंजन आता है 97.2 सीसी का इसमें इंजन आता है। और इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है जो 7.91 bhp है, जो 8000 rpm पे जनरेट होती है। और इसके मैक्सिमम टॉर्क के बारे में बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम इसका टॉर्क रहता है 8.05 न्यूटन मीटर का, जो 6000 rpm पे जनरेट हो जाता है। ये है BS6 वाला इंजन है, ये 2022 वाली है स्प्लेंडर प्लस। बात कर लेते हैं इसके गियर्स के बारे में, तो इसमें 4-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आता है जिसमें सभी गियर ऊपर की तरफ पड़ते हैं। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके फ्यूल कैपेसिटी के बारे में, तो इसका फ्यूल कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो इसमें आता है 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। और इसके अलावा जब रिचार्ज में बाइक लग जाती है तब इसमें 1 लीटर तक का पेट्रोल बच जाता है। और इसमें ऐसी इंडिकेशन भी दी जाती है कि आप फ्यूल टैंक इतने तक ही भराओ, जब ऑटो कट हो जाता है उससे ज़्यादा फ्यूल मत भराओ, ऐसा इंडिकेशन इसमें दिया जाता है। बात कर लेते हैं इसके ब्रेक्स के बारे में, तो इसमें फ्रंट और रियर में दोनों के तरफ ड्रम ब्रेक्स आती है, पर ये कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आता है इसमें भी। जब आप ये वाली ब्रेक दबाएंगे तो ये वाली ऑटोमेटिक से लग जाएंगी, ऊपर वाली भी ऑटोमेटिक से लग जाएगी। इसके ब्रेक के बारे में बात करें तो हीरो ने बहुत अच्छी से सोचा है कि आपका पैर इंजन को न टच हो, इसलिए इस प्रकार से दिया है, आपके पैर के प्रोटेक्शन के लिए दिया। कर रहे थे इसके टायर्स के बारे में, तो इसमें कुछ इस प्रकार से टायर्स आते हैं, पूरे ब्लैक फिनिश में आते हैं। इसके जो अलॉय व्हील्स के बारे में बात की जाए तो अलॉय व्हील्स आते हैं 18 इंच के आते हैं, दोनों के दोनों अलॉय व्हील्स 18 इंच के आते हैं। और इसके टायर प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो 80x100 18 इंच के MC47P वाले ट्यूबलेस टायर्स आते हैं इसमें फ्रंट में। और इसके रियर में बात की जाए तो इसमें भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, इसमें बात करें तो 80x100 18 इंच के आते हैं, पर MC54P आते हैं, जो ये भी ट्यूबलेस टायर्स ही है। अब बात कर लेते हैं इसके शॉकर्स के बारे में, तो इसमें फ्रंट में आते हैं जो आते हैं टेलीस्कोपिक शॉकर्स आते हैं। इसके रियर में बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से शॉकर्स आते हैं जिसे कहा जाता है 5-step एडजस्टेबल हाइड्रोलॉकिक शॉकर्स। कर लेते हैं हम इसके कुल वेट के बारे में, तो इसका कुल वेट है 112 kg। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसकी ओवरऑल लेंथ के बारे में, तो इसकी ओवरऑल लेंथ होती है, ओवरऑल लेंथ का मतलब है इस जगह से लेकर यहाँ तक की जो लास्ट तक जो लेंथ होती है उसके बारे में बात करते हैं, तो उसकी ओवरऑल लेंथ होती है 2000 mm की। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं उसके कुल विड्थ के बारे में, ओवरऑल विड्थ के बारे में, तो विड्थ के बारे में कहते हैं कि ये वो होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 720 mm की ये विड्थ हो जाती है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं ओवरऑल हाइट के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसकी ओवरऑल हाइट होती है 1052 mm की, जो यहाँ से लेकर नीचे तक जमीन तक जो होती है उसकी हाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं इसके व्हील बेस के बारे में, तो व्हील बेस हमने पिछली वीडियो में दिखाया था कि यहाँ से लेकर इस टायर के सेंटर तक, इस टायर के सेंटर से लेकर उस टायर के सेंटर तक जो लेंथ होती है जो भी होता है उसे कहते हैं व्हील बेस, तो व्हील बेस होती है 1236 mm की होती है। इसके अलावा हम बात करते थे ग्राउंड क्लीयरेंस की, ये यहाँ इंजन से लेकर या ग्राउंड तक की जो
जगह होती है वो कितनी होती है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो होती है 165 mm की, जो बहुत ही अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है इंडियन थ्रोट्स के हिसाब से। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके सीट्स के बारे में, तो सीट हाइट के बारे में। तो सीट होती है इसकी होती है 785 mm की, जो जमीन से लेके सीट की जो हाइट है वो है 785 mm। अब बात करते हैं इसके वारंटी के बारे में, तो इसमें 5 years की वारंटी मिल जाती है और 70,000 kilometers थी। इसका मतलब कि आप 70,000 kilometers पहले ख़त्म हो या 5 years, जो दोनों में से पहले ख़त्म होगा वहाँ वारंटी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके ऑडोमीटर पर। तो इसका ऑडोमीटर एनालॉग ही आता है, उसमें कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहती नहीं है, ट्रिप मीटर भी नहीं आता है। यहाँ पे इसका किलोमीटर्स दिखाता है, यहाँ पे आपकी स्पीड दिखाती है। ये स्टैंड लगा हुआ हुआ तो उसकी लाइट हाई रहेगी, ITS की लाइट है, ये न्यूटर की लाइट है, इंजन चेक लाइट डिपर के लिए, और ये आगे फ्यूल दिखाता है आपका। बात कर लेते हैं इसके स्विचेस के बारे में। तो ये है पास की स्विच दी जाती है, इससे इंडिकेटर की स्विच है, ये हॉर्न की स्विच है, इस प्रकार से कुछ हॉर्न आता है इसमें। ये I3S का बटन है ऑन ऑफ करने के लिए, I3S की हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। ये सेल स्टार्ट है, यहाँ से सेल लगने पर शुरू हो जाती है बाइक। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में। तो फ्रंट में आता है ये हेलोजन सेटअप आता है, ये हेलोजन लाइट आती है आगे, ये इंडिकेटर्स आते हैं, ये भी हेलोजन रहते हैं। इसके ब्लैक लाइट के बारे में बात की जाए तो ब्लैक लाइट भी आती है, ये हेलोजन ही आती है। इस प्रकार से इसका लुक रहता है, यहाँ हीरो का लोगो मिल जाता है। इस प्रकार से पीछे भी इंडिकेटर्स हेलोजन में ही दिए जाते हैं। बात कर लेते हैं इसके साउंड्स के बारे में। तो इस प्रकार से इसके साउंड के बारे में बात करते हैं। तो बस यही था इस स्प्लेंडर प्लस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।